गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विल टीच दिस चैप्टर, चैप्टर 4, स्किल्ड वर्कर्स स्किल्स। हैव यू एवर राइडन अ बाइसाइकिल? जब आप जो है क्या करते हैं, बाइसाइकिल साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट द फर्स्ट फ्यू डेज वर डिफ़िकल्ट एज यू हैड टू लर्न टू बैलेंस एंड राइड। तो क्या होता है, आपने नोटिस किया है कि जब वो फर्स्ट दिन, पहले आप सीखते हैं, शुरुआत करते हैं जब, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आप साइकिल चलाते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं, गिरते पड़ते आप सीखना ही शुरू ही कर देते हैं और धीरे धीरे उसको बैलेंस करना आने लग जाता है, राइड करना भी आने लग जाता है। हाउ एवर आफ्टर सम टाइम यू वुड हैव बीन एबल टू राइड कॉन्फिडेंटली। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाद आपका थोड़े दिन बाद आप जो है साइकिल को कॉन्फिडेंटली राइड करना आपको आ जाता है, चलाना आ जाता है। यू वुड हैव बिकम स्किल्ड इन राइडिंग अ बाइक। यही इसी चीज़ की, इसी क्षमता की, सीखने की जो क्षमता है आपको राइडिंग करने की जो बाइक से, उसको ही क्या कहते हैं, स्किल्ड आप हो गए, आप सीखने लग गए, आपकी स्किल पावर डेवलप होती जाती है धीरे धीरे, जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है और फाइनली क्या होता है, आप राइडिंग करना आपको आ जाता है। स्किल्स आर एबिलिटीज़ दैट हेल्प अस टू डू अ जॉब वेल। जो आपकी जो स्किल्स है और एबिलिटीज़, जो आपके अंदर की क्षमताएं हैं और जो सीखने की क्षमता है, वो आपके जॉब में, किसी भी काम करने में, किसी को भी काम करने में हेल्प करती है कि आपके सीखने की क्षमता कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सीखना और चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उससे आपके जॉब को, जॉब पर प्रभाव पड़ता है और आपकी जॉब अच्छी होती जाती है। डिफरेंट स्किल्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब अलग अलग तरह की स्किल्स जो होती हैं, अलग अलग जो है ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर हर कोई आपको साइकिल चलानी है तो उसके लिए अलग आपको स्किल्स की ज़रूरत है, और अगर आपको कोई और काम करना है उसके लिए अलग ऑक्यूपेशन जो है, उसके लिए अलग अलग तरह की स्किल्स होनी चाहिए। तो सबके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डिफरेंट डिफरेंट आपको स्किल्स होनी चाहिए। दियर स्किल्स कैन बी डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज। और जो स्किल्स जो है धीरे धीरे क्या होती है, अलग अलग तरह की जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप कर जाती है, तरह तरह की होती है, अलग अलग तरह की, और वो धीरे धीरे क्या करके डेवलप करती रहती है। सम स्किल्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपको पास्ट होती जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब आपके मम्मी पापा को कुछ ऐसा काम जो आता है, आप बिना बताए ही उनको देख के आप सीखते जाते हैं, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती है स्वतः ही। तो अदर स्किल्स आर गेन्ड बाई टेकिंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्कूल और एन इंस्टीट्यूट। और कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको कि हमको गेन करने के लिए, जिनको सीखने के लिए हमको फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर सिखाया जाता है। कुछ तो मैंने बताया कि आपको पहले से मम्मी पापा में, अगर कोई मम्मी पापा किसान है, खेती का काम कर रहे हैं, तो आपको किसानी खेती जो है धीरे धीरे अपने आप बचपन से आप उनको देखते जाते हैं और वो अपने आप ही आप में आती जाती है और वो फिर आप साथ में करने भी लग जाते हैं, तो आपकी स्किल्स जो है डेवलप करती जाती है और आप कुछ अच्छी तरह से कर लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके घर में नहीं हो रही होती हैं और फिर भी आप उनको करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जा करके सीखते हैं। जैसे कि आपका, आपके पिताजी किसान हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आप वो ट्रेनिंग लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। अब है क्राफ्ट्समैन। अवंती हैज़ गॉन टू विजिट हर आंट। अवंती एक लड़की है, वो अपने जो है आंट के घर विजिट पे गई, मतलब घूमने के लिए गई। आंट्स आंट हैज़ ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। जो उसकी आंटी थी अवंती की, वो पूरे इंडिया जो है घूमी हुई थी, यात्रा करी हुई थी उन्होंने। सी इज सोइंग सम ऑफ द थिंग्स सी हैज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो जो है, अब जो चीज़ें इंडिया के पार्ट्स में, जगह जगह अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाती थी, और वहाँ पर से जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ की मशहूर चीज़ें थी, वो कलेक्ट करके वहाँ से ले करके आती थी, वो कलेक्ट करती थी। अवंती इज़ सरप्राइज टू सी
देम सी सेज दीज आर सो ब्यूटिफुल। अवंती ने जब वो देखा तो क्या वो बड़ी सरप्राइज हो गई और चौंक गई और उसने बोला आंटी से अपने कि दीज आर सो ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। हर आंट रिप्लाइज, उसकी आंटी ने बोला इंडिया इज फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट्स, इंडिया जो है क्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अपने पूरे विश्व में आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग के बहुत सारे क्राफ्ट्स बनते हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र, इसीलिए हम उन्हीं क्राफ्ट्स की वजह से बहुत सारे क्षेत्र मशहूर हैं कि वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें हाथ से बनी हुई बनती मिलती हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं क्षेत्रों में मिलती हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरा क्षेत्र होता है वो फेमस हो जाता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वी हैव स्किल्ड क्राफ्टमैन हु मेक दीज ब्यूटिफुल आइटम्स, जो अब मैंने आपको बताया कि उसी के लिए जो है क्राफ्ट जो है क्राफ्ट्समैन बनाते हैं वो जो क्राफ्ट्स होते हैं सुंदर सुंदर ब्यूटिफुल, और उसी आइटम्स की वजह से वो इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में मिलती है और वो वहाँ पर फेमस भी होती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स दैट अवंतीज आंट हैज़ बॉट, जो आप चलिए देखते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे क्राफ्ट देखते हैं जो अवंती की आंट ने खरीदा है, जैसे कि ये है आपका, ये क्या है, बंधानी इज अ टाई एंड डाई टेक्निक डन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ये बंधानी एक तरह का कपड़ा होता है, उसमें कपड़े को बांध बांध के कलरफुल किया जाता है, और ये ऐसे कलरफुल कपड़े जो होते हैं बांध करके इसमें कुछ डिजाइंस बनाई जाती है, जैसे कि कुछ बीज लगा के बांध दिया, कुछ अलग कलर में डुबोया, कुछ गांठ लगा के उस कपड़े को वो किया और उससे वो कपड़ा सुंदर बन जाता है, कलरफुल बन जाता है। तो ऐसा जो काम होता है कलर करने का ये गुजरात और राजस्थान में दिखाई देता है और वहीं से ये जो है आता है और पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। बंधानी इसको बोलते हैं इस काम को, क्योंकि ये बांध बांध के किया जाता है, कपड़ों को बांध के इसमें रंग भरा जाता है कपड़ों में, तो इसको बंधानी बोलते हैं और ये गुजरात और राजस्थान में होता है इसका काम। ये है ढोकरा, ढोकरा आर्टिफैक्ट्स आर मेड मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, फिगरिंस ऑफ गॉड्स मेन वुमेन एंड एनिमल्स आर मेड फ्रॉम इंट्री सेटली कवर्ड मेटल्स। ये जो है एक प्रकार के ऐसे बनाए जाते हैं आर्टिफैक्ट्स की जो जैसे ये बनाया गया, कुछ एनिमल्स बनाया गया, कुछ प्रकार के कलाकृतियाँ बनाई गई और उसको क्या होता है उसको मेटल के कवर से कवर अप किया जाता है। तो ये एक प्रकार का ये जो है पाया जाता है, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ये जो कलाकृतियाँ हैं जो ये चीज़ें हैं ये पाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में होती हैं। ये है बैम्बू बास्केट्स आर स्पेशलिटी ऑफ नागालैंड, नागालैंड में बैम्बू से मतलब बांस से बने हुई चीज़ें पाई जाती हैं। द पीपल वेव्स वेव बैम्बू स्ट्रिप्स टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बास्केट, वो जो बैम्बू से बास्केट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर बनाई जाती हैं, ये नागालैंड की मशहूर चीज़ें हैं, ये नागालैंड में बनाई जाती है, पूरे देश में ये आती हैं, पूरे विश्व में वहाँ से लोग इनको ख़रीद करके ले जाते हैं। अवंतीज आंट ऑल्सो सोल्ड हर द फेमस पट्टाचित्रा पेंटिंग ऑफ उड़ीसा एंड द नेट्योर पेटी बॉक्सेस ऑफ केरला, जो आंटी हैं उनके पास साथ में एक चीज़ उन्होंने और दिखाई वो है पट्टाचित्रा पेंटिंग, पट्टाचित्रा की पेंटिंग है जो कि उड़ीसा से वो लाई थी और नेट्योर पेटी बॉक्सेस ये भी केरला से लाई थी। ये एक प्रकार की चीज़ें हैं। पट्टाचित्रा इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा की ट्रेडिशनल आर्ट है। दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूजिंग टैमेंड सीड्स एंड कलर्स ओविडेंट फ्रॉम फ्रूट्स ऑन फ्लावर डेज,
तो ये क्या डाइज, ये जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है किससे, स्पेशल चीज़ों से, टाइप चीज़ों से बनाई जाती है, जैसे पेपर से बनाई जाती है और उसके सीड्स से, और उसके जो कलर होते हैं वो फ्रूट्स और फ्लावर्स के कलर उसमें लगाए जाते हैं। द नेटूर पेटी इज ट्रेडिशनल ज्वेलरी बॉक्स मेड इन केलरा। और जो नेटूर पेटी जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट है, वो उसका एक ज्वेलरी का बॉक्स बनाया जाता है। द बॉक्स इज मेड ऑफ रोज वुड एंड हैज़ ऑर्नमेंटल वर्क ऑन इट। इसमें जो है बॉक्स पे जो बॉक्स जो है रोज़ वुड, एक प्रकार की लकड़ी होती है, उससे बनाया जाता है। जो ऑर्नमेंटल उस पर जो नक्काशी करी जाती है, वो ऑर्नमेंटल उसके ऊपर नक्काशी करी जाती है, उसी लकड़ी को काट काट करके उस बॉक्स को बनाया जाता है। द थिंग्स दैट अवंतीज आंट ब्रॉट वर मेड बाई क्राफ्ट्समैन। अब जो है ये जो सारी चीज़ें हैं अवंती की आंटी ने खरीदी हैं, जो हाथ से क्राफ्ट्समैन ने बनाई है। इन द प्रीवियस ग्रेड वी हैव स्टडीड अबाउट क्राफ्ट्समैन लाइक वेवर एंड पॉटर्स। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में वेवर्स के बारे में और पॉटर्स के बारे में पढ़ा था कि जो वेवर्स क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, और पॉटर्स जो हैं वो पॉट बनाते हैं, मिट्टी के बनाते हैं, और भी चीज़ों के पॉट अब बनने, बर्तन बनने लग गए हैं। क्राफ्ट्समैन लर्न स्पेशल स्किल दैट हेल्प देम टू मेड ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक द बंधानी फैब्रिक और द पत्ताचार्य। जो क्राफ्ट्समैन स्पेशल टाइप की स्किल्स जो होती है उनको हेल्प करती है बनाने के लिए, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, जो बंधानी फैब्रिक जो बंधानी का काम है, और जो पत्ताचार्य है, पत्ताचार्य चित्रा है, वो सारी चीज़ें, ये जब स्पेशल स्किल्स होती है वही लोग इसको बना सकते हैं। दे आर ट्रेंड फ्रॉम अ यंगर एज बाई दियर पेरेंट्स और एल्डर्स। और ये चीज़ें बनाने का काम जो है छोटे पर से ही, किसी के घर में अगर बन रहा है तो वो छोटे पर से ही, छोटे पर रहते हैं तो अपने माता पिता और बड़ों से वो धीरे धीरे अपने आप उनके में आती जाती है और उनसे वो सीखते जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द स्किल्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि जो वन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने आप वो पास होती जाती है, अपने आप छोटे से जब आप कोई चीज़ देखते जाएंगे, आपके घर में बुनाई हो रही है और छोटे पर से वो चीज़ देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा अपने मम्मी से सीखेंगे, पापा से सीखेंगे, थोड़ा खुद देख करके सीख जाएंगे, तो वो आपके अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से स्वतः ही आती जाती है। नाउ अ डेज मेनी आर्ट फैक्ट्स दैट वी सी अराउंड अस आर मशीन मेड, नॉट मेनी पीपल बाय द थिंग्स मेड बाई क्राफ्ट्समैन। जो क्या होता है कि नाउअडेज आजकल जो है कुछ चारों तरफ जो है चीज़ें बन रही हैं, वो क्या बन रही है, मशीनों के द्वारा बनती जा रही हैं, तो इससे क्या होता है नॉट मैनी पीपल बाई, और लोग उनकी चीज़ों को, क्राफ्ट्समैन की चीज़ों को ख़रीदते नहीं हैं, और जो हाथ से बनी हुई चीज़ें रहती, क्राफ्ट्समैन की चीज़ें रहती, द क्राफ्ट्समैन आर थस अनेबल टू अर्न लिविंग। अब उनको रहने में, अपने दिनचर्या चलाने में, अपने रोज की जरूरतें पूरे रहन सहन में उनको दिक्कत होने लगी, उनको पैसे की कमी होने लगी, महसूस होने लग गई है। दे लीव दियर विलेज एंड गो टू टाउन्स आर सिटीज़ टू हंट फॉर जॉब्स। अब वो इसी वजह से क्या कर रहे हैं कि वो गांव को छोड़ते जा रहे हैं, गांव में नहीं रहते हैं और गांव से वो शहर में आ जाते हैं जॉब के लिए, मतलब पैसे अर्न करने के लिए। भाई पैसे बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ है, उसी से घर चलेगा, तो वो पैसे को अर्न करने के लिए वो वहाँ से अपने आने लग गए हैं शहर की तरफ। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है क्राफ्ट्स की नई नई चीज़ें जो देखने को मिलती थी वो कम होती जा रही हैं। एज़ द नंबर ऑफ आर्टिसियंस इज़ रिड्यूसिंग आवर
ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आर डाइंग आउट. उससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ जो उनकी जो कलाकार हैं जो वो कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, और जो सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स हैं जो बनती आती थी पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती थी जो अब ख़त्म हो गई हैं, उनका मतलब मरती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है उनका बनना. तो इसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ थोड़ी महंगी मिलती हैं, इस वजह से कोई ख़रीदना नहीं चाहता, क्योंकि उनको बनाने में टाइम लगता है. भाई एक चीज़ उन्होंने कई दिन में बनाई और मशीन के द्वारा वही चीज़ कम बड़ी जल्दी बन गई, तो उसके पैसे कम लगने लग गए, तो लोग उनको ख़रीदना पसंद करते हैं और हाथ से बनी हुई चीज़ों को नहीं ख़रीदना पसंद करते. इसकी वजह से उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, और वो गांव को छोड़कर शहर की तरफ आते जा रहे हैं. थैंक यू.